सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट जून बहुत नजदीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं और जिन्होंने भी इस नेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अगर जून के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं और क्योंकि वक्त बहुत कम है तो कुछ स्ट्रैटेजी है जो आपको अपनानी चाहिए, आज मैं उसी के बारे में बताने आई हूँ। देखिए, सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, एक सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। अगर अभी तक सिलेबस नहीं किया है डाउनलोड तो डाउनलोड जरूर कर लीजिए। स्ट्रक्चर वाइज आपको स्टडी करनी है और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद उसको आपको क्या करना है, एक प्रिंट जरूर निकाल के रख लेना है अपने पास में, हार्ड कॉपी में आपके पास सिलेबस होना चाहिए, पहला काम। दूसरा काम आपको करना है अपना टाइम टेबल बनाना है, किस टाइम पर आपको अपनी स्टडी करनी है। जर्नल पेपर एंड आपका जो सब्जेक्ट पेपर है दोनों के लिए आपको इक्वल टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि जर्नल पेपर आप इग्नोर कर सकते हैं, जर्नल पेपर भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। तीसरा काम आपको करना है, आपको 3 साल के अपने जो पेपर्स हैं उन्हें खरीदना है। आप चाहें तो खरीद सकते हैं, आपको पेपर मिल जाएंगे, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। नहीं अगर करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर पिछले सालों के पेपर्स मिल जाएंगे विद आंसर की, है ना, तो वो पेपर आप जरूर रख लीजिए। आपको पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने ही करने हैं। और जैसे कि आपको मैं बताऊं कि एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, और उसके बाद में उसके 4 ऑप्शन होते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं वो देख लीजिए। सपोज करते हैं ये क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, इसके बाद में इसके 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन के बारे में, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को पढ़ लिया और उसके बाद पीछे पलट कर आपने देखा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी है या 4th नंबर का है तो ये आंसर सही हो गया, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सपोज आप 50 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन के आपको ये 4 ऑप्शन के बारे में भी डिटेल नॉलेज रखना है कि ए का मतलब क्या है इसके बारे में समझ लिया, बी का मतलब क्या है इसके बारे में समझ लिया, सी का मतलब क्या है इसके बारे में समझ लिया, डी के मतलब, इस तरीके से अगर हम देखें तो 50 × 4 कितना हो जाता है 200 आपके प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन पेपर को आपको ऐसे सॉल्व करना है, अपना सब्जेक्ट पेपर हो या फिर आपका अपना जनरल पेपर, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये यदि स्ट्रेटेजी आपने अपना ली है तो ये बात मान के चलिए कि आप नेट क्लियर कर सकते हैं, JRF की जर्नी भी आपकी सफल हो सकती है। और तीसरी अगली आखिरी बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैं बता दूं कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म आप चुन लीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपको अपनी सेल्फ स्टडी तो करनी ही है, साथ ही साथ में कोई भी एक चैनल जिस पर आपको फेथ हो, जिसकी बातें आप अच्छे से समझ सकते हो, जिसका कम्युनिकेशन आपके लिए सही हो, उस चैनल को आप पकड़ लीजिए और उससे अपनी प्रिपरेशन कराइए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, अगर आप पेड चैनल के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप कोई फ्री चैनल के लिए जाना चाहते हैं तो भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेल्फ लर्निंग में भी मैं कंप्लीट प्रिपरेशन करा रही हूँ, फर्स्ट पेपर यानी कि जर्नल पेपर की और साथ ही साथ में सेकेंड पेपर जो हमारा पेपर है एजुकेशन उसकी। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अभी सेल्फ लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 8109394696 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लूंगी ताकि आपको जो कुछ भी मैं पढ़ाती हूँ डायरेक्ट आप तक कन्वे हो जाए। और हमारी क्लासेस आप कब देख सकते हैं, टाइमिंग मिल जाए। वैसे बता दूं कि रोज रात को 8 बजे हमारी जर्नल पेपर की क्लास होती है और एजुकेशन की क्लास होती है रात को 9 बजे। तो हमारी कंटिन्यूस स्टडी चल रही है, फर्स्ट सेकेंड यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और जो कुछ भी अभी तक मैंने पढ़ा दिया है रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी को ऑल द बेस्ट। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिए और आप सेल्फ लर्निंग से ज्वाइन हो जाइए। सेल्फ लर्निंग का आप चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। और
कोई चार्ज नहीं है, कोई आपको शुल्क नहीं देनी है। कंप्लीट स्टडी आपको सिलेबस की यहाँ पर मिलेगी, साथ ही साथ में पीडीएफ भी मिलेंगे और आपको चैनल पे पीवाईक्यू सेशन और एमसीक्यू सेशन भी मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। रात को 8 बजे हमारी क्लासेस होने वाली है, प्लीज ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।